मालवा की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध महामाया भादवा माता के दरबार में चैत्र नवरात्रि मेला 2 अप्रैल से शुरू होगा। श्रद्धालुओं को मंदिर आने जाने के लिए मुख्य मार्ग खुला रहेगा। बाईपास मार्ग वाला रास्ता इमरजेंसी व वीआईपी के लिए रहेगा। यह बात मंगलवार को मंदिर में मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची मंदिर समिति सचिव व एसडीएम ममता खेड़े ने दुकानदारों से कही। इसके बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली। मेले के समय आवागमन का रास्ता बदलने की जानकारी मिलने पर सोमवार को सभी दुकानदारों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था। माँ भादवा में कोरोना काल के 2 साल बाद चैत्र नवरात्रि मेला लगेगा। मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर 150 से अधिक दुकानदार बरसों से दुकान लगाकर कारोबार कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कोरोना काल में मेला नहीं लगने से आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। इस बार मेला लग रहा है तो श्रद्धालुओं के आवागमन का रास्ता बदलने की मिली जानकारी में दुकानें लगवाई जाएगी। रोष व्याप्त हो गया था। मंगलवार को एसडीएम ममता खेड़े व तहसीलदार अजय हिंगे भादवा माता पहुंचे, दुकानदारों से चर्चा कर आश्वस्त किया कि श्रद्धालुओं के आवागमन का रास्ता नहीं बदला जा रहा है। बाईपास रोड की तरफ मंदिर का जो गेट है उसे वीआईपी व इमरजेंसी होने पर ही उपयोग किया जाएगा। एसडीएम ने मुख्य मार्ग के दोनों तरफ दुकानें लगाने वालों को हिदायत दी कि दुकान के बाहर अतिक्रमण नहीं करें। जो अतिक्रमण कर श्रद्धालुओं के लिए परेशानी खड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर सभी दुकानदारों ने प्रशासन व मंदिर प्रबंधन को सहयोग करने का आश्वासन दिया। पंचायत भवन के सामने नहीं लगेगी मनिहारी की दुकानें। मेले के समय बाहर से आने वाले दुकानदार पंचायत भवन के सामने अस्थायी दुकानें लगाकर सड़क पर बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे बरसों से दुकान लगा रहे सभी लोगों का कारोबार प्रभावित होता है। एसडीएम ने दुकानदारों से चर्चा के बाद मंदिर परिसर में बने नवनिर्मित मंदिर प्रबंधन कार्यालय के सामने नाली की सफाई कर स्वच्छता अभियान शुरू किया। उन्होंने दुकानदारों को भी मेले के दौरान सफाई व खाद्य सामग्री को ढककर रखने की हिदायत दी। गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए छांव व पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। दुकान नहीं लगाने दी जाएगी सभी के लिए स्नान घर के पास परिसर में। भादवा माता मंदिर प्रबंधक से तैयारियों की जानकारी लेती एसडीएम खेड़े, नालों की सफाई कर शुरू किया स्वच्छता अभियान, डोम का निर्माण जल्द पूरा करवाया जाए। एसडीएम ने मंदिर प्रबंधक अजय एरन से चर्चा कर निर्माणधीन डोम का काम अधूरा होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मेला नजदीक है, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डोम जल्दी तैयार करवाया जाए। गौरतलब है कि 2 महीने में तैयार होने वाला डोम ठेकेदार की लापरवाही के कारण 4 महीने भी तैयार नहीं हुआ। इसके तैयार होने से गर्मी में श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधा मिल जाएगी। दिव्यांग व लकता पीड़ित मरीजों को व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए एक काउंटर शुरू करें, निर्धारित शुल्क लेकर श्रद्धालुओं के नाम की एंट्री कर व्हील चेयर उपलब्ध करवाएं। वापस जमा करवाने पर जमा राशि लौटाई जाएगी। सरपंच लाला राम चौहान व सचिव महेंद्र सिंह गुज्जर सहित दुकानदार उपस्थित थे।